Assalamu alaikum, dear students of class 5. Welcome to the lecture of science. Today we will study some topics of chapter 8, water purification, which is on page number 49. The objectives of today's lecture are to understand about techniques used for the purification of water, which are sedimentation and decantation, and to know about the types of impurities, which are soluble impurities and insoluble impurities. So open your books, let's start reading. Methods used for water purification. As water in streams and rivers flows, it takes along two kinds of impurities, soluble and insoluble. इसका मतलब यह है कि जैसे कि पानी नदियों में और दरियाओं में फ्लो करता है, मतलब चलता है, तो वो अपने साथ दो तरह की इम्प्योरिटीज़ भी लेता है, ठीक है, जिसमें है सॉलिबल इम्प्योरिटीज़ और इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़। अब सॉलिबल इम्प्योरिटीज़ इसमें वो होती हैं जो पानी में मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, और इनसॉलिबल वो होती हैं जो पानी में मिक्स नहीं होती। अब इम्प्योरिटीज़ का मतलब है कि गंदगी, ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं कि मिट्टी जो है वो एक इम्प्योरिटी है, ठीक है, रेत भी इम्प्योरिटी है। सॉलिबल इम्प्योरिटीज़ आर सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। अब आगे उन्होंने बता दी है कि सॉलिबल इम्प्योरिटीज़ कौन कौन सी होती हैं, सॉल्ट्स और मिनरल्स दैट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि पानी में शामिल हो जाती हैं, यानी कि मिक्स हो जाती हैं। फिर है इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़। इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़ आर पीसीज ऑफ स्टोन्स, सैंड, चॉक एंड सेवरल अदर सब्सटेंसेस। मतलब कि इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़ में क्या क्या चीज़ें आ गई, पत्थर के पीसीस, रेत, चौक और कुछ और सब्सटेंसेस भी होती हैं, ठीक है, जो पानी में आप जहाँ जहाँ से पानी गुजरेगा वो, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर एक चट्टान से पानी गुजर रहा है तो चट्टान में जितने भी मिनरल्स हैं वो अपने साथ पानी ले लेगा, ठीक है। इस तरह उसमें उस पानी में कुछ सॉलिबल इम्प्योरिटीज़ होंगी और कुछ इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़। अब इस चैप्टर के पढ़ने का हमारा मकसद यह है कि हमने उन इम्प्योरिटीज़ को पानी में से रिमूव करना है, ठीक है। अब इस बेसिकली हम पढ़ेंगे इसके रिमूविंग इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़ को हम कैसे रिमूव करते हैं। उसके लिए हमारे पास दो टेक्निक्स हैं। पहली टेक्निक है बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन और दूसरी टेक्निक है बाय फिल्ट्रेशन। इसकी रीडिंग करते हैं। वाटर इज़ ट्रीटेड थ्रू द वाटर ट्रीटमेंट साइकिल बिफोर इट इज़ सेंट टू योर होम। मतलब कि पानी को पहले हम ट्रीट का मतलब है कि उसके साथ हम कुछ करेंगे, ठीक है। वाटर इज़ ट्रीटेड थ्रू द वाटर ट्रीटमेंट साइकिल, मतलब पहले पानी को ट्रीटमेंट साइकिल से गुजारा जाता है हमारे घर जाने से पहले, मतलब पानी हमें बाद में मिलेगा, पहले उसके ऊपर हम ये सारा साइकिल अप्लाई करेंगे। वाटर में बी ट्रीटेड डिफरेंटली इन डिफरेंट कम्यूनिटीज़ डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ द वाटर विच एंटर्स द प्लांट। अब क्या होता है कि पानी को डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है, ये डिपेंड करता है कि वो पानी किस कम्युनिटी से हम ले रहे हैं। क्या पानी हम किसी लेक से ले रहे हैं, या फिर पानी हम किसी दरिया से ले रहे हैं, या स्ट्रीम से ले रहे हैं, या पानी किसी डैम से आ रहा है, उसके मुताबिक फिर हम उसके ऊपर ट्रीटमेंट अप्लाई करते हैं। ग्राउंड वाटर इज़ द वाटर लोकेटेड अंडरग्राउंड। अब ग्राउंड वाटर से मुराद वो वाटर है, जैसे कि हम हमारे घरों में बोर हुआ होता है तो ये वो वाटर है जो ग्राउंड वाटर, मतलब बोर का जो पानी है। एंड टिपिकली रिक्वायर्स लेस ट्रीटमेंट। अब वो बताया जा रहा है कि जो ग्राउंड वाटर है इसमें हमें हमारा जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है, और हमें उसको सफाई के लिए इतनी मुश्किल दरपेश नहीं होती बनिस्बत वो पानी जो कि किसी लेक से आ रहा है, किसी दरिया से आ रहा है, किसी स्ट्रीम से आ रहा है, ठीक है। आपको फिगर नज़र आ रही है, फिगर 8.1, इसमें बारी बारी जो स्टेप्स दिए गए हैं, ठीक है। नंबर वन स्टेप है कोएगुलेशन, फिर आएगा सेडिमेंटेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन होगी, फिर डिसइंफेक्शन होगी, फिर स्टोरेज होगा। अभी इस छः के छः जो हैं वो पांच, ये पांच जो उसकी टेक्निक्स हैं इनको हम पढ़ते हैं बारी बारी। स्टेजेस, नेक्स्ट पेज नंबर 50 पे आ रहे हैं आप। स्टेजेस ऑफ वाटर ट्रीटमेंट साइकिल। फर्स्ट टेक्निक इज़ कोएगुलेशन। कोएगुलेशन रिमूव्स डर्ट एंड अदर पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। मतलब कोएगुलेशन का मकसद क्या होता है कि ये उस गंदगी को और उस पार्टिकल्स को पानी में से रिमूव करती है जो पानी में ठहरे होते हैं, ठीक है। अलम एंड अदर केमिकल्स आर एडिड टू वाटर टू फॉर्म टिनी स्टिकी पार्टिकल्स कॉल्ड फ्लॉक।
विच अट्रैक्ट द डर्ट पार्टिकल्स। अब असल में होता है क्या है कि हम पानी में ऐड कर देंगे अलम, अलम होती है फटकड़ी, और कुछ और केमिकल्स पानी में ऐड करेंगे जो वाटर की प्योरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। असल में मकसद हमारा ये है कि जो पानी के पार्टिकल्स हैं, जो पानी में डर्ट पार्टिकल्स हैं, वो स्टक हो जाएँ, ठीक है, और वो एक फ्लॉग बना लेंगे, मतलब एक ब्लॉक बनेगा जो कि अट्रैक्ट करेगा डर्ट पार्टिकल्स को। द कम्बाइंड वेट ऑफ द डर्ट एंड द अलम फ्लॉक, मतलब कि ये डर्ट और अलम को जब मिक्सचर है उसको हम फ्लॉक कहते हैं, बिकम्स हैवी एनफ टू सिंक टू द बॉटम ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन। मतलब सेडिमेंटेशन के दौरान ये जो फ्लॉक है ये पानी के नीचे बॉटम पे स्टे कर जाएगा, ठीक है, ताकि हम उसको फिर वहाँ से हम उसको आराम से बाहर निकाल सकते हैं। न पानी के सारे पार्टिकल्स एक फ्लॉक की सूरत में नीचे बैठ जाएंगे पानी के, तो फिर हम उसको वहाँ से आराम से रिमूव कर लेंगे। अब सेडिमेंटेशन क्या होती है? द हैवी पार्टिकल्स फ्लॉक सेटल टू द बॉटम एंड द क्लियर वाटर मूव्स टू द फिल्ट्रेशन टैंक। अब असल में यही हो रहा है कि जो सेडिमेंटेशन की ये डेफिनेशन है कि वो जो फ्लॉक है, जो पार्टिकल्स हैवी पार्टिकल्स हैं जिनके अंदर डर्ट भी शामिल है, ठीक है, अलम असल में ये काम करेगा कि अलम जो है वो डर्ट पार्टिकल्स को अपने साथ अटैच कर लेगा और उनको बॉटम पे सेटल डाउन कर देगा, ठीक है। फिर हम ऊपर से जो एंड द क्लियर वाटर रिमूव्स, मतलब हम ऊपर से जो क्लियर वाटर है उसको फिल्ट्रेशन टैंक में शिफ्ट कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद स्टेज है फिल्ट्रेशन। द वाटर पासिस थ्रू द फिल्टर्स, फिर हम वाटर को पास करते हैं फिल्टर से, डिफरेंट किस्म के फिल्टर से, विच आर मेड अप ऑफ लेयर्स ऑफ सैंड, ग्रेवल्स एंड चारकोल दैट हेल्प्स टू रिमूव इवन स्मॉलर पार्टिकल्स, ठीक है। अब ये लेयर्स होती हैं, रेत की लेयर होगी ग्रेवल, मतलब ग्रेवल कहते हैं बजरी को, बजरी की लेयर होगी चारकोल, ये कोयले की एक इकसाम होती है चारकोल, ठीक है, कोयला ये है असल में। तो हम उसको इन तीनों चीज़ों से पास करेंगे ताकि वो जो और छोटे से पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो रह गए हैं जो सेडिमेंटेशन में नहीं नीचे बैठ सके, वो फिर फिल्ट्रेशन में हम उनको फिल्टर आउट कर लेंगे। नेक्स्ट उसके बाद आता है डिसइंफेक्शन। ये हमें इसके नाम से क्लियर है कि हमने इन्फेक्शन को ख़त्म करना है असल में। अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ क्लोरीन इज एडिड और सम अदर डिसइंफेक्टेंट्स इज यूज टू किल एनी बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट मे बी इन द वाटर। अब हम क्या करेंगे कि क्लोरीन गैस जो है, ठीक है, क्लोरीन होती है, उसको हम पास कर देंगे पानी में से, ठीक है, एक स्मॉल अमाउंट उसकी हम पानी में से पास करेंगे ताकि कोई पानी में और कोई जर्म्स या कोई बैक्टीरिया रहे है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो पानी से रिमूव हो जाए। उसके बाद हम आते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज में अब हम पानी साफ़ हो चुका है, अब हमने इसको स्टोर करना है। वाटर इज़ देन स्टोर्ड इन का क्लोज टैंक और रिजर्वायर। रिजर्वायर कहते हैं जखीरे को, ठीक है, जखीरे जहाँ पे हम कुछ अपने जमा करते हैं। वेयर इट फ्लोज थ्रू पाइप्स टू होम एंड ऑफिसेस इन द कम्युनिटी, वहाँ से फिर ये साफ पानी जो है वो स्टोरेज से हम घरों में भी भेजते हैं, ऑफिस में भेजते हैं और कम्युनिटी में भेजते हैं। ऑफिसेज में भेजते हैं जो कि कम्युनिटी में होते हैं। ये वाटर ट्रीटमेंट सर्कल यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटिंग। सेडिमेंटेशन और डिकेंटिंग में बस थोड़ा सा फ़र्क है, ये इतना कोई ज़्यादा नहीं है फ़र्क। सेडिमेंटेशन बस हमने ऊपर पढ़ा कि हावी हमने पानी के अंदर अलम और केमिकल्स ऐड करने हैं ताकि वो क्या करें, वो डर्ट पार्टिकल्स को अपने साथ अटैच कर लें और नीचे सेटल डाउन हो जाएँ, फिर हम उसको पानी जो साफ़ पानी के ऊपर से हम उसको रिमूव कर लेंगे। सेडिमेंटेशन ये होती है। डिकेंटिंग क्या होती है इसको भी हम पढ़ते हैं इंशाल्लाह। डिकेंटेशन इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर। डिकेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो सेपरेट करता है मिक्सचर को, ठीक है, यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर। इट यूजली इन्वॉल्व्स रिमूविंग द लिक्विड पोर्शन ऑफ अ सब्सटेंस व्हाइल लीविंग बिहाइंड द सेडिमेंट्स। असल में सेडिमेंटेशन भी ऐसा ही होता है कि हम ऊपर से लिक्विड पोर्शन को साइड पर कर लेते हैं, फिल्टर कर लेते हैं और नीचे जो है वो सेडिमेंट बच जाता है, ठीक है, मतलब कि डर्ट पार्टिकल बच जाते हैं। द पर्पज़ ऑफ डिकेंटेशन इज़ टू सेपरेट द इनसॉल्युबल हैवियर इम्प्योरिटीज़ फ्रॉम द लिक्विड। बिल्कुल सेम वही सेडिमेंटेशन की तरह। अब ये कैसे करते हैं हम? दिस इज़ डन बिकॉज इन मैनी केसेज द इनसॉल्युबल मैटर इज़ नॉट नीडिड। ये इसलिए किया जाता है कि हमें कुछ केसेज में इनसॉल्युबल जो पार्टिकल्स हैं वो नहीं चाहिए होते। जहरी सी बात है, हम पानी को साफ़ कर रहे हैं तो हमें इनसॉल्युबल पार्टिकल तो नहीं चाहिए, ठीक है। इन अ केस सच एज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, हाँ ये एक केस है। अब हमारे पास पहले जो हम वाटर को क्लीन कर रहे थे वो था
वो ऐसा वाटर था जो हमारे पास किसी रिवर से आया, किसी स्ट्रीम से आया। अब ये ऐसा ऐसा केस जिसमें कि वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, ऐसा पानी जो पहले वेस्ट हो रहा है, ठीक है, मतलब किसी फैक्ट्री से पानी निकल रहा है, किसी केमिकल की इंडस्ट्री से पानी आ रहा है, तो वो ऑलरेडी वेस्ट है, उसको फिर ट्रीट करेंगे तो उसमें हमें इनसॉल्युबल पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इट रिमूव्स सॉलिड्स दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन एंड ट्रीटेड अलॉन्ग विद अ लिक्विड वेस्ट। इसमें होता क्या है कि ये रिमूव कर देता है सॉलिड्स को जो कि टूटते नहीं हैं, ठीक है, और ट्रीटेड अलॉन्ग विद अ लिक्विड वेस्ट, तो फिर उनको लिक्विड वेस्ट के साथ ही उसको ट्रीट कर लेते हैं। अब डिकेंटेशन असल में कैसे होती है? हाउ इज़ द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन कैरीड आउट? द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन इज़ फेयरली सिंपल। ये एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। ये आप फिगर 8.2 में देख रहे हैं कि हम दो बीकर लेंगे, ठीक है, दो बीकर लेके हम मैनुअली इसको प्रोसेस को हम खुद हाथ से भी कर सकते हैं। एक बीकर में से जिसमें डर्ट पार्टिकल मौजूद हैं, हमने उसमें से पानी को हमने पोर कर रहे हैं, मतलब पानी दूसरे बीकर में हम डालेंगे। द सब्सटेंस कैन बी पोर्ड फ्रॉम वन कंटेनर टू अदर। दिस शुड बी डन इन सच अ मैनर, हम इसको इस तरीके से करेंगे दैट द इनसॉल्युबल मटेरियल डज नॉट लीव द फर्स्ट कंटेनर। हमने इसको ये ख्याल करना है, हमें नज़र आ रहा होगा कि जो इनसॉल्युबल मटेरियल्स हैं वो फर्स्ट कंटेनर में ना जाएं। बस ये इस बात का हमने ध्यान रखना है। तो इस तरह हम डिकेंटेशन को करते हैं, ठीक है। आगे हम आते हैं नेक्स्ट डू यू नो के ऊपर। ये आपसे पूछा जा रहा है कि आप ये जानते हैं, डिकेंटेशन इज़ समटाइम्स यूज्ड फॉर द टर्म फिल्ट्रेशन, मतलब डिकेंटेशन एज अ फिल्ट्रेशन भी इस्तेमाल होती है। बोथ प्रोसेसेस आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, दोनों प्रोसेस एक ही काम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, बट आर नॉट द सेम, लेकिन ये दोनों सेम नहीं हैं। अब डिफरेंस इनका दिया गया है पेज नंबर 51 के एंड पे, डिफरेंस बिटवीन फिल्ट्रेशन एंड डिकेंटेशन। अब इसमें हमें दो बड़े बड़े जो हैं वो डिफरेंसेस इसमें बताए गए हैं। पहले पैराग्राफ में पहला डिफरेंस है और दूसरे पैराग्राफ में दूसरा डिफरेंस है। इसको पढ़ लेते हैं अभी। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिफरेंसेस इज दैट फिल्ट्रेशन मेक्स द यूज़ ऑफ फिल्टर पेपर और बैरियर मटेरियल दैट कैचेस द सेडिमेंट। यानी कि फिल्ट्रेशन में हम लाजमी तौर पर फिल्टर पेपर लगाते हैं या कोई ना कोई बैरियर या कोई सीव लगाते हैं लाजमी तौर पर जो कि सेडिमेंट को कैरी करती है, ठीक है। विद डिकेंटेशन फिल्टर्स आर नॉट यूज, लेकिन डिकेंटेशन में ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं है, ठीक है, कोई हमने फिल्टर पेपर नहीं यूज़ किया। दिस मीन्स दैट फिल्ट्रेशन कैन नॉट बी मोर इफेक्टिव, इसका ये मतलब है कि फिल्ट्रेशन ज़्यादा इफेक्टिव है। दिस मीन्स दैट फिल्ट्रेशन कैन बी मोर इफेक्टिव बिकॉज ये ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि हमें बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द लिक्विड कैन बी रिकवर्ड, हमें तमाम का तमाम लिक्विड रिकवर हो जाता है। डिकेंटेशन में ये ख़तरा होता है कि कुछ ना कुछ लिक्विड जो फर्स्ट बीकर है जिसमें डर्ट पार्टिकल्स हैं उसमें कुछ ना कुछ लिक्विड रह सकता है, लेकिन फिल्ट्रेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता क्योंकि हम कम्प्लीटली जो तमाम का तमाम जो वेस्ट वाटर है उस सारे को हम जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं उस सारे को हम दूसरे बीकर में उड़ेल लेते हैं एक फिल्टर पेपर के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस, अनदर डिफरेंस इज दैट सम डिग्री ऑफ सेटलिंग इज नेसेसरी टू डिकेंट, मतलब कि हमें डिकेंटेशन करने से पहले जो फर्स्ट बीकर है जिसमें डर्ट पार्टिकल मौजूद है हमें उसमें डर्ट पार्टिकल्स का थोड़ा वेट करना पड़ेगा ताकि वो थोड़े से नीचे बैठ जाएं पानी में, ठीक है, फिर हम उसको डिकेंटेशन स्टार्ट करेंगे। लेकिन फिल्ट्रेशन में क्या होता है? विद फिल्ट्रेशन हाउएवर सिंस देयर इज अ बैरियर इट डज़ नॉट मैटर इफ द सेडिमेंट और लिक्विड आर मिक्स टुगेदर, हमें ये मैटर नहीं करता कि चाहे जो है वो फिल्ट्रेशन में सेडिमेंट और जो लिक्विड है वो बेशक आपस में मिक्स ही क्यों ना हो फिर भी फिल्ट्रेशन हम कर सकते हैं। दिस मीन्स फिल्ट्रेशन में नॉट ओनली बी ईजियर, इसका यह मतलब है कि फिल्ट्रेशन इतनी ईजी नहीं है, बट इट कैन बी परफॉर्म फास्टर, लेकिन ये हम एक फास्ट तरीके से कर सकते हैं, ये जल्दी काम हो सकता है। आज का लेक्चर इसे ख़त्म करते हैं। अब आप अपना होमवर्क नोट कर लीजिए। आपने इसको तकरीब ये जो स्टडीज़ ऑफ वाटर ट्रीटमेंट साइकिल हैं इस सारे स्टडीज़ को आपने अपनी नीट कॉपी के ऊपर नोट करना है और याद भी करना है, और फिगर आपने अपनी कॉपी के ऊपर ख़ुद बनानी है, ठीक है। और ये वाटर ट्रीटमेंट साइकिल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है पेपर में। नेक्स्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आएंगे। अस्सलामुअलैकुम।